मलकीपुर सीट पर सस्पेंस बरकरार है। बीजेपी ने सपा पर आरोप लगाया है, सपा नहीं चाहती 13 नवंबर को वोटिंग हो। हार के डर से लटका रही है मलकीपुर उपचुनाव। पूर्व विधायक भाजपा गोरखनाथ बाबा का आरोप हाईकोर्ट में, सांसद अवधेश प्रसाद ने की है अड़ंगेबाजी। अखिलेश यादव जुमले से बाज नहीं आते, तो याद दिलाया एक्स पर अखिलेश का पोस्ट, जिसने जंग टाली उसने जंग हारी है। सपा नहीं चाहती 13 नवंबर को मलकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो। तो मलकीपुर सीट पर सस्पेंस लगातार बरकरार है, सियासत भी तेज है। 9 सीटों पर विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। विधानसभा उपचुनाव को लेकर लगातार सियासत भी तेज है। हालांकि 10वीं सीट मलकीपुर सीट को लगातार चुनाव से पहले भी इस पर सियासत तेज थी, और अब सपा नहीं चाहती 13 नवंबर को वोटिंग हो, यह आरोप बीजेपी के द्वारा लगाया जा रहा है। लगातार इस सीट को बीजेपी जहां साख और नाक का सवाल बना रही है, वहीं समाजवादी पार्टी के लिए ये सीट लिटमस टेस्ट की तरह है। तो लगातार बीजेपी ने सपा पर भी आरोप लगाया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल पाठक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल जी, लगातार मलकीपुर सीट को लेकर सियासत तेज है। वहीं पहले समाजवादी पार्टी यह आरोप लगा रही थी कि बीजेपी नहीं चाहती कि मलकीपुर सीट पर चुनाव हो, और अब समाजवादी पार्टी पर ही बीजेपी ने आरोप लगाया है कि डर गई है समाजवादी पार्टी। देखिए, किस तरह से मलकीपुर सीट को लेकर बरकरार है, उससे जो है सियासत जो है काफी गर्म हो गई। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में अब आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। भाजपा की तरफ से अब आरोप लगाया गया है कि खुद अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी नहीं चाहती है कि मलकीपुर में 13 नवंबर को वोट पड़े, इसलिए जो गोरखनाथ बाबा हैं उनकी रिट को लेकर के अड़ंगेबाजी कर रही है। लिहाजा हाईकोर्ट में डेट पर डेट लग रही है, और इस बात की उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी है कि अब मलकीपुर में 13 नवंबर को वोट नहीं पड़ेगा। बिल्कुल अनिल जी, जिस तरीके से पहले भी याचिका 2022 में याचिका दायर की गई थी, तो क्या किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि उस याचिका की वजह से मलकीपुर सीट पर, जो कि सबसे अहम सीट मानी जा रही थी अयोध्या की, उस पर उपचुनाव लटक जाएगा? क्योंकि गोरखनाथ बाबा के द्वारा यही कहा गया कि उनको जानकारी नहीं थी कि उनकी याचिका की वजह से मलकीपुर सीट पर उपचुनाव की तारीख का ऐलान नहीं किया जाएगा। ये ना तो भारतीय जनता पार्टी को और ना ही समाजवादी पार्टी को इस बात का अंदेशा था कि इलेक्शन कमीशन जो है हाई कोर्ट में जो रिट पेंडिंग है उसको संज्ञान में ले लेगा और मलकीपुर सीट पर नोटिफिकेशन नहीं करेगा। इस बात का अंदेशा लियाकत में जो भी यहाँ राजनीतिक दल हैं किसी को नहीं था, क्योंकि उस रिट पर कोई आदेश नहीं हुआ था, बावजूद इसके इलेक्शन कमीशन ने उस पर तारीख की घोषणा नहीं की। कैसे नोटिफिकेशन नहीं हुआ? जो बाबा गोरखनाथ है वो हाईकोर्ट पहुंचे, उन्होंने अपनी रिट को वापस लेने के लिए लिखा पढ़ी की, लेकिन बीच में फिर अड़ंगेबाजी आ गई समाजवादी पार्टी की तरफ से। जिस तरह का आरोप लगाया जा रहा है, क्योंकि रिट वापस होने के लिए जब बहस हो रही थी तब एक वकीलों का समूह जाके पहुंचा, उसने कहा कि ये जायज नहीं है कि जब चाहो आप रिट कर दो और जब चाहो आप रिट वापस ले लो। यहाँ हाईकोर्ट है और हाईकोर्ट में हाईकोर्ट के नियम के अनुरूप काम होगा, लिहाजा हाईकोर्ट में जो है 15 दिन बाद सुनवाई की तारीख लगा दी। अब उत्तर प्रदेश में जो है नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, 25 तारीख तक नामांकन होगा, और हाईकोर्ट में जब ये डेट लगेगी लगभग 2 तारीख के बाद, तब तक नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी होगी। तो लिहाजा इस बात की पूरी उम्मीद है कि मलकीपुर में चुनाव नहीं होगा। तो बिल्कुल मलकीपुर सीट पर सस्पेंस लगातार बरकरार है। अनिल जी, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के। तो बीजेपी ने सपा पर कई आरोप भी लगाए, वहीं मलकीपुर सीट को लेकर लगातार सियासत तेज है। हालांकि अब जो अटकलें लगाई जा रही थी कि हो सकता है कि 13 नवंबर को मलकीपुर सीट पर भी मतदान किया जाए, लेकिन अब ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा।